दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बहुत इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इजीली तरीके से आप QR कोड को बना सकते हैं। जी हाँ, आप अपने QR कोड को बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं आप अपने QR कोड को। बस इसके लिए आपको सिर्फ अपने एक वेबसाइट पर जाना है और ना ही आपको कोई इसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बना सकते हैं QR कोड को, कैसे अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, तो बने रहिए बादशाह टेक इंडिया में। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे QR कोड को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग कलर दे सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं अपने QR कोड पर। ठीक है, तो आपको बिना सॉफ्टवेयर के QR कोड को क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली तरीके से बिना सॉफ्टवेयर के QR कोड को आप बना सकते हैं। तो चलिए, आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को नेट से एक्सेस कर लेना है। ठीक है, नेट से एक्सेस करने के बाद आपको आना है गूगल क्रोम में। ठीक है, तो गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है QR कोड स्पेस MONKEY मंकी। ठीक है, तो सिंपली इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने में पेज आ जाएगा। अब आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। पहले वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने में आएगा। आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर URL बोल रहा है। ठीक है, तो मेरी एक चैनल है बादशाह टेक इंडिया, मैं उसकी सिंपली यहाँ पर URL पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पर URL पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने URL को पेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने URL को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी साइट को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि हमें ये QR कोड को चाहिए, तो मैं सिंपली क्रिएट QR कोड पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी हो जाएगी। तो मुझे अलग अलग डिज़ाइन देना है और इस पर लोगो लगाना है। ठीक है, तो मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आपको सेट कलर में आना है। सेट कलर, अगर आप कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी कलर है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सिंपली इसमें आऊँगा। आने के बाद यहाँ पर मैं रेड ले लेता हूँ, फिर इसको मैं ब्लू लेना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं ब्लू लेता हूँ। अब इसके बाद अब मुझे चाहिए अलग अलग लोगो चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मेरा सिंपली YouTube का URL है, तो मैं YouTube इस पर अपलोड करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग मेरे को डिज़ाइन चाहिए, तो डिज़ाइन लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद मैं ये डिज़ाइन लेना चाहूँगा जैसे कि। ठीक है, तो ये डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बॉर्डर को आप चाहें तो मैं बॉर्डर को ये लेना चाहूँगा, ऐसा डिज़ाइन वाला बॉर्डर लेना चाहूँगा। ठीक है, फिर ये आपको आई बॉल शेप आपको कैसा चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐसा लेना चाहूँगा या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, तो मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसे क्रिएट QR कोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि कुछ मेरी इस तरह की QR कोड आ गई है। मेरी YouTube की QR कोड थी, तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर लोगो आ गई है। अब इसको जैसे ही स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद जो मेरी URL होगी वो शो कर देगा। ठीक है, तो मैं इसे आप और एक बात बताना चाहूँगा कि आप इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं सिंपली PNG में डाउनलोड करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी QR कोड थी वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं ओपन कर देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि बहुत मेरी जो QR कोड जो आई है, बहुत प्यारी सी QR कोड आ गई है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे सर्च करूँगा। ठीक है, सर्च करने के बाद स्कैन करूँगा, स्कैन करने के बाद इस पर जो मेरी URL होगी वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हैं QR कोड जो आपकी होगी, और बहुत ईजिली तरीके से आप इसे सेंड कर सकते हैं QR कोड को बना करके। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको साइट का नाम याद रखना है QR कोड मंकी। ठीक है, आपको यहाँ पर आकर के सर्च कर लेना है, सर्च करने के बाद आपको एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपकी साइट हो कोई या फिर URL है, तो आप यहाँ पर आकर के पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद
आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत अलग अलग डिजाइन दे करके अपने क्यूआर कोड को बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो होगी हमारी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।